इंडिया अपने कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और हर एक कल्चर के लिए डांस फॉर्म्स बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यह हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ यूनिटी से एक साथ रहना सिखाता है और फिर चाहे भरतनाट्यम हो, कथक हो या फिर रास गरबा हो, इन डांस फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस भविष्य में भी कभी कम नहीं होगी। हजारों साल पुरानी लिखी गई कविताएं मिट सकती है, कहानियां मिट सकती है, लेकिन डांस फॉर्म्स जनरेशन बाय जनरेशन पास किए जाते हैं और उनका अस्तित्व कहीं मिटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए जब डांस इंडिया डांस नाम के शो को अनाउंस किया गया तो भारत के लोगों को मौका मिला कुछ एक्सेप्शनल डांसर्स को स्टेज के ऊपर अपने कल्चर और टैलेंट को दर्शाने का। डांस इंडिया डांस ने जैसे पूरे देश में मौजूद डांसर्स की होप्स को जगा दिया था। अब जैसे इंडिया में हर बच्चा बड़ा होकर सिर्फ क्रिकेटर ही बनना चाहता था, वहीं जिन बच्चों को डांस में इंटरेस्ट था वो DID जाकर वहां की ट्रॉफी जीतना चाहता था। लेकिन DID बाहर से जैसा दिखता है वैसा एक्चुअल में है नहीं। DID यानी कि डांस इंडिया डांस ने भले ही इंडियन डांसर्स को डांस करने के लिए एक बड़ा स्टेज दिया हो, लेकिन चीटिंग और करप्शन यहां से भी दूर नहीं रह पाया था। आज आप देख ही रहे हैं कि कैसे इस वजह से इस जनरेशन के बच्चों को DID का नाम तक नहीं पता। DID यानी कि डांस इंडिया डांस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर गई, जिस शो पर केवल टैलेंट की कदर होनी चाहिए थी वहां पर एक्चुअल में और क्या हो रहा था। आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। देखो, ऐसा नहीं है कि आज टीवी पर डांसिंग के रियलिटी शोज नहीं आते या पहले के जैसे टैलेंट की कदर नहीं की जा रही है, लेकिन डांस इंडिया डांस ने बेसिकली इस पूरे डांस रियलिटी कल्चर की शुरुआत की। इंडिया का ऐसा कोई इंसान नहीं था जो इस शो को देखा नहीं करता था, लेकिन आज इसके सीजन इतने घटिया हो गए हैं कि शो के क्रिएटर्स ने तक इसे बनाना बंद कर दिया। देखो, DID की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब किसी भी तरह का सोशल मीडिया या इंटरनेट कल्चर यंग लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हुआ था। अब उस समय फेमस होने के सिर्फ कुछ ही रास्ते थे, या तो आप एक्टर बन जाओ, या आप क्रिकेटर बन जाओ, या फिर आप नेता बन जाओ। अब उस वक्त डांस इंडिया डांस शो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और देश भर के डांसर्स को मौका मिला पूरी दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखाने का और फेमस होने का। अब देखो, डांसर्स तो इस शो में आ गए, लेकिन आम जनता इस शो को कैसे देखेगी? वेल, इसके लिए शो ने कुछ फेमस जजेस को सीट पर बैठा दिया। रेमो डिसूजा, टेरेंस और गीता, इन तीनों ने DID का पहला सीजन जज किया था, लेकिन उस वक्त इन तीनों की वजह से आम ऑडियंस ने DID को देखना शुरू नहीं किया था, बल्कि शो को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ था मिथुन चक्रवर्ती का। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मिथुन दा उस वक्त देश के सुपरस्टार्स में से एक थे और DID ने उन्हें ग्रैंड मास्टर का रोल देकर जैसे सिक्सर ही मार दिया था। लोग तुरंत इस शो की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और होते भी क्यों नहीं, शो में प्योर टैलेंट का प्रदर्शन जो हो रहा था। हर एक डांस और डांसर अपने परफॉर्मेंस से लोगों के रोंगटे खड़े कर दे रहे थे। जजेस पागल हो रहे थे, मिथुन दा पागल हो रहे थे, और उन्हें पागल होता हुआ देख हम भी पागल हो रहे थे। इस शो ने कम्प्लीट करने वाले डांसर्स को पूरे इंडिया में फेमस कर दिया, और सिर्फ डांसर्स ही नहीं बल्कि जजेस को भी लोग नाम से जानने लगे। अब पहले सीजन के विनर थे सलमान यूसुफ, जिन्हें मूवी तक में रोल करने का मौका मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि पहले सीजन के सक्सेस की वजह से इंडिया के डांसर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। अब उनका मकसद सिर्फ एक ही बन गया, DID को जीतना। दूसरा सीजन आया, अब इसने पहले सीजन के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सीजन में हमें शक्ति मोहन और धर्मेश जैसे डांसर्स मिले जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं। अब इस शो की TRP आसमान छू रही थी। तीसरे सीजन में भी एग्जैक्टली यही हुआ। हमें राघव जैसे डांसर मिले जिनका स्लो मो डांस आज बच्चा बच्चा ट्राई करता है। शो की सबसे खास बात थी कि हर एक जज खुद एक बेहतरीन डांसर था। अब देखो, दूसरे रियलिटी शोज में एक्टर्स को डांस शोज या सिंगिंग शोज के जजेस करने के लिए बिठा दिया जाता था, लेकिन DID में एक मास्टर डांसर दूसरे मास्टर डांसर से बात कर रहा होता है। DID के इन शुरुआती सीजन ने कुछ बेहद ही आइकॉनिक और मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस दिए थे, जिसे आज भी यूट्यूब पर लाखों लोग देखते हैं। इस शो में काम करने वाला हर इंसान फेमस हो गया था। फिर जब साल 2013 से 2014 में DID दोबारा से नए सीजन के साथ आया, तो सभी पुराने जजेस जा चुके थे। अब ये सभी जजेस अपना अपना शो करने में निकल गए, लेकिन तब भी DID ने हार नहीं मानी और दूसरे जजेस के जरिए उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की, और बस वहीं पर ये फेल हो गई। देखो दोस्तों, पुराने जजेस की अपनी एक पर्सनैलिटी थी जिससे लोग प्यार करने लगे थे। अब उनकी सीट पर किसी और को बैठा देख ऑडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
थी, उन्हें तो बस पुराने जजेस रेमो, टेरेंस और गीता चाहिए थे, लेकिन डीआईडी उन्हें लाने में नाकाम रहा। अब इसी वक्त में डांस प्लस ने भी टेक ओवर कर लिया, जहां राघव, रेमो, धर्मेश और शक्ति मोहन जैसे डांसर्स परफॉर्म कर रहे थे। अब डांस इंडिया डांस की टीआरपी 2-3 सीजन के अंदर ही बिल्कुल डाउन चली गई, लगभग सभी ने इसे देखना बंद कर दिया। अब हाल ही के एक लेटेस्ट सीजन में डीआईडी ने करीना कपूर को जज बनाकर ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ, शो एक बार फिर से फ्लॉप हो गया। अब सभी लोग कहने लगे कि उन्हें वो पहले वाला डीआईडी ज्यादा पसंद था, जहां किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी और केवल प्योर टैलेंट को ही दिखाया जाता था। आज आपने देखा होगा कि डांस परफॉर्मेंस से ज्यादा कंटेस्टेंट्स की सैड बैक स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया जाता था। तो डैड के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कहीं होटल ले या कुछ ले, तो हम पूरी रात पार्क में सोए थे। अब मैं जानता हूँ कि ऑडियंस इस तरह से उन कंटेस्टेंट से इमोशनली कनेक्ट कर पाती है, लेकिन क्या आप जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो सच में रियल है या बस टीआरपी के लिए ये सब दिखाया जा रहा है? देखो, आज हर कोई ये बात जान गया है कि रियलिटी टीवी शोज स्क्रिप्टेड बन गई है। यहाँ तक कि डांसर्स ने तक कबूल किया है कि उनकी सैड बैक स्टोरी बस एक दिखावा था। अब इससे शो की कंट्रोवर्सी बढ़ेगी या नहीं, आप ही बताइए। डांस इंडिया डांस ने अपनी पॉपुलैरिटी को कम होता देख अपने आप को एक्सपैंड करने का प्लान बनाया। डांस बांग्ला डांस, डांस कर्नाटका डांस, डांस ओडिशा डांस, ऐसे बहुत सारे नए शोज को निकाला गया जिन्हें अपने रीजनल लैंग्वेजेस में शूट किया जाने लगा। अब इससे डीआईडी की जो मास ऑडियंस थी वो छोटी बनती चली गई। इन लोकल डीआईडी शोज को भी बहुत कम लोग देखते थे और आज हालात ये है कि डीआईडी पूरी तरह से बंद हो गई है। रियलिटी डांस शोज के पास कुछ भी नया दिखाने के लिए बचा ही नहीं है, जो वो दिखाते हैं वो हमें फेक ही लगता है। बस एक डांस प्लस और राघव जुआल की होस्टिंग ही है। सर, मैं आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ आज, हाँ। अगर आपने सुन लिया आपके एबीसी तले डी खिसक जाएगा। जो आज मैं दोबारा देख सकता हूँ। अब मेरे दोस्त, ये कहना मुश्किल है कि डीआईडी कमबैक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये बात पक्की हो गई है कि अगर आप सिंपथी और सैड चीजें दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई भी इन शोज को नहीं देखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज के डांसर्स को इन शोज के आने ना आने से फर्क पड़ता है, उनके पास सोशल मीडिया का टूल है जहां वो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने ऑलरेडी दिखा सकते हैं। उन्हें भी अब रियलिटी टीवी शोज की जरूरत नहीं है और शायद इसीलिए भी डांस रियलिटी शोज की क्वालिटी कम होती जा रही है। अच्छे डांसर्स पहले से ही अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वैसे क्या आप भी डांस इंडिया डांस देखा करते थे? और अगर देखा करते थे तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट धर्मेश सर थे जब वो पहली बार आए थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।